Assalamu alaikum students, today we will discuss the next three commands of TW Basic: delete command, edit command and files command. First one is delete command. This command is used to delete program lines or line ranges of loaded program. ये command basically program की lines को delete करने के लिए use होती है. Program कौन सा है? Loaded program. ऐसा program जो पहले GW Basic में execute हो चुका है, उस program को hard disk पे save किया जा चुका है और बाद में उस program को दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड किया गया है. तो एग्जीक्यूशन से पहले अगर उस प्रोग्राम की कुछ लाइंस डिलीट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट कमांड. सिंटेक्स देख लेते हैं. डिलीट लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 2, ये रेंज है कि इस लाइन नंबर से इस लाइन नंबर तक तमाम लाइन्स डिलीट करनी है. अगर हम इसका नेक्स्ट सिंटेक्स देखें, डिलीट लाइन नंबर 1 2, लास्ट लाइन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ तक डिलीट करना है. तो इस केस में क्या होगा, इस लाइन नंबर से स्टार्ट किया जाएगा और प्रोग्राम के एंड तक तमाम लाइंस डिलीट हो जाएंगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. डिलीट 70, तो सिंपली क्या होगा, लाइन नंबर 70 डिलीट होगी. अगर लिखा है डिलीट 50 टू 150, तो लाइन नंबर 50 से लाइन नंबर 150 तक तमाम लाइंस डिलीट हो जाएंगी. नेक्स्ट इज डिलीट स्टार्टिंग लाइन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन 80 स्पेसिफाइड है जो कि लास्ट लाइन नंबर है. इस केस में क्या होगा, स्टार्ट से तमाम लाइंस डिलीट होंगी, लाइन नंबर 80 तक आएगा ये प्रोसेस. लाइन नंबर 80 तक तमाम लाइंस डिलीट होंगी स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम से. यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग लाइन होगी. उसके बाद लास्ट है डिलीट 122, लास्ट नंबर स्पेसिफाइड नहीं कि कहाँ तक डिलीट करना है. तो इस केस में क्या होगा, 120 से स्टार्ट लिया जाएगा और प्रोग्राम के एंड तक तमाम लाइन्स डिलीट होंगी. स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ डिलीट कमांड. एग्जीक्यूशन से पहले हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, फिर उस प्रोग्राम की लाइंस को डिलीट करेंगे. फ्रेंड हेलो, और लाइन नंबर 30 में है एंड ऑफ प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जीक्यूशन से क्या होगा, सिंपली ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा. ये देखिए स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो गया है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. अब हम इसको सेव करते हैं कंप्यूटर में. सेव करने के लिए F4 शॉर्टकट की यूज करेंगे. इसको सेव करेंगे विद नेम hello.bas. ओके मैसेज शो कर रहा है कि प्रोग्राम सेव हो गया है. अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा लोड करते हैं ताकि इसको एग्जीक्यूट कर सकें, इसकी लाइंस को डिलीट कर सकें. तो लोडिंग के लिए हम यूज करेंगे F3 शॉर्टकट की. इसका वही नेम टाइप करेंगे hello.bas. तो ओके मैसेज शो कर रहा है कि ये प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो गया, अब हम इसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. तो चेक कर लेते हैं कि लोड हुआ या नहीं. अगर तो रिजल्ट प्रिंट होगा तो ये लोडेड है. ये देखिए F2 शॉर्टकट की यूज की है तो ये रिजल्ट डिस्प्ले है. इसका मतलब है कि प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड है. अब हम क्या करते हैं, इसकी लाइंस को डिलीट करते हैं. लाइन नंबर 10 में था CLS, लाइन नंबर 20 में हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी और लाइन नंबर 30 प्रोग्राम का एंड था. तो हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 10 डिलीट करते हैं यूजिंग डिलीट कमांड. तो डिलीट कमांड से हम लाइन नंबर 10 डिलीट करते हैं. इस प्रोग्राम की जो भी लाइन नंबर 10 है वो डिलीट हो जाएगी. तो ये देखिए ओके मैसेज ये डिस्प्ले कर रहा है कि लाइन नंबर 10 डिलीट हो चुकी है. अब हम चेक करते हैं प्रोग्राम, देखते हैं दोबारा कि इसकी लाइन नंबर 10 डिलीट हुई है या नहीं. तो प्रोग्राम को दोबारा स्क्रीन पे लिस्ट करने के लिए यूज करते हैं लिस्ट कमांड. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी रिवीजन भी करेंगे. तो ये देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 20 और 30 डिस्प्ले हुए हैं. लाइन नंबर 10 जो CLS हमने स्टार्ट पे यूज की थी वो डिलीट हो गई है. तो ये थी डिलीट कमांड की एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट कमांड इज एडिट कमांड. दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन. ये कमांड प्रोग्राम की लाइन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है, यानी कि प्रोग्राम की लाइन को एडिट करने के लिए यूज होती है. फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम टाइप कर लिया गया है और बाद में हमें आइडिया हुआ है कि इस प्रोग्राम की किसी लाइन में मॉडिफिकेशन करनी है, वैल्यू चेंज करनी है, डेटा मॉडिफाई करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एडिट कमांड यूज करते हैं. सिंटेक्स अगर हम देखें, एडिट लाइन नंबर, एडिट के साथ अगर हम लाइन नंबर लिखें तो सिंपली क्या होगा, वो लाइन डिस्प्ले होगी और उस लाइन को हम एडिट कर सकते हैं जिस लाइन का ये लाइन नंबर है. और अगर हम डॉट यूज करें तो डॉट का मतलब ये होता है कि करंट लाइन जो भी है उसको एडिट करना है. लाइन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट. लाइन नंबर उस लाइन का नंबर है जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं. इस तरह से अगर डॉट की बात करें, पीरियड की बात करें, तो ये करंट लाइन को रेफर करता है, करंट लाइन की एडिटिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल एडिट 140, तो इससे प्रोग्राम की लाइन नंबर 140 एडिटिंग के लिए इनेबल होगी. और अगर डॉट है, पीरियड है, इट मींस कि प्रोग्राम की करंट लाइन एडिट होगी. स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ एडिट कमांड.
एडिट कमांड किसी भी प्रोग्राम की लाइन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है, लाइन को चेंज करने के लिए, लाइन को एडिट करने के लिए यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं CLS 20 प्रिंट कंप्यूटर लाइन नंबर 30 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम. ये एक सैम्पल प्रोग्राम है. अब हम इसमें एडिटिंग करेंगे. सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं. एग्जीक्यूशन से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है कंप्यूटर. अब हम इसकी लाइंस को एडिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 20 हमने एडिट करनी है, तो क्या करेंगे, एडिट लाइन नंबर 20. ये देखिए एडिट कमांड के साथ सिर्फ लाइन नंबर लिखा है तो वो लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, वो लाइन प्रिंट हो जाएगी और उस लाइन को हम एडिट कर सकते हैं. देखिए ये देख सकते हैं आप, लाइन नंबर 20 प्रिंट हो गई है. अब हम इस लाइन में एडिटिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ और प्रिंट करना है स्क्रीन पे, क्लास 10, तो देखिए लाइन नंबर 20 एडिट हो गई है. लाइन नंबर 20 एडिट हो गई है. अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या प्रिंट हुआ है, क्लास 10. तो ये थी एडिट कमांड की एग्जीक्यूशन. एडिट कमांड किसी भी प्रोग्राम की लाइन को एडिट करने के लिए यूज हो सकती है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट कमांड इज फाइल्स कमांड. दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल फाइल्स रेजिडिंग ऑन द स्पेसिफाइड ड्राइव. ये कमांड स्पेसिफाइड ड्राइव की तमाम फाइल्स के नेम्स की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है. सिंटेक्स में है फाइल्स पाथ नेम. पाथ नेम में बेसिकली ड्राइव नेम आएगा, उस फोल्डर का नेम आएगा जिस फोल्डर की तमाम फाइल्स के नेम की लिस्ट डिस्प्ले करनी है. पाथ नेम इज द ऑप्शनल पैरामीटर, ये ऑप्शनल है. अगर हम इसको स्किप करेंगे देन इन दिस केस द फाइल्स कमांड विल लिस्ट ऑल द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी ऑफ सिलेक्टेड ड्राइव. इस केस में फाइल्स कमांड करंट डायरेक्टरी की तमाम फाइल्स के नेम्स की लिस्ट डिस्प्ले करेगी. उसके अलावा हम वाइल्ड कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, सच एज एस्टरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क. ये हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सिंपली एक मिसिंग करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, और अगर एक से ज्यादा करेक्टर्स मिसिंग हो, हमें उनके नंबर का आइडिया ना हो, तो उस केस में हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एस्टरिस्क यूज करते हैं. क्वेश्चन मार्क सिंपली एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है जो मिसिंग हो. क्वेश्चन मार्क इज यूज टू मैच एनी करेक्टर इन द फाइल नेम और एक्सटेंशन, एंड एस्टरिस्क इज यूज फॉर एनी फाइल नेम और एक्सटेंशन. क्वेश्चन मार्क सिंपली एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है इन द फाइल नेम और एक्सटेंशन, एंड एस्टरिस्क इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी फाइल नेम एनी एक्सटेंशन. यानी कि जितने भी करेक्टर्स हो, हमें उनका आइडिया ना हो, एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम एस्टरिस्क यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. अगर सिंपली फाइल्स टाइप किया जाए तो क्या होगा, पाथ नेम मेंशनिंग है, ड्राइव भी मेंशनिंग, तो इस केस में क्या होगा, जो भी करंट डायरेक्टरी है उस करंट डायरेक्टरी की फाइल्स की नेम्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी. नेक्स्ट है फाइल्स एस्टरिस्क डॉट डीओसी. एक्सटेंशन मेंशन है लेकिन फाइल नेम मेंशन नहीं है, यानी कि इस केस में वो लिस्ट आएगी फाइल्स के नेम्स की, वो लिस्ट आएगी जिनमें DOC एक्सटेंशन होगी और उनका नेम कोई भी हो सकता है. दिस कमांड विल लिस्ट ऑल द फाइल्स विद एक्सटेंशन DOC. यानी ऐसे तमाम फाइल्स के नेम्स डिस्प्ले होंगे जिनके एक्सटेंशन है DOC और जिनका नेम कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट इज फाइल्स डी के बाद कॉलिंग ये शो करे कि ये ड्राइव नेम है, उसके बाद है एस्टरिस्क डॉट एस्टरिस्क. तो ये है ड्राइव, ड्राइव स्पेसिफाई हो गई है. डी ड्राइव की तमाम फाइल्स के नेम्स डिस्प्ले होंगे क्योंकि ना तो एक्सटेंशन मेंशन है और ना ही फाइल नेम मेंशन है. दिस विल लिस्ट ऑल फाइल्स ऑन द डी ड्राइव विद एनी एक्सटेंशन विद एनी नेम. नेक्स्ट इज फाइल्स MAR क्वेश्चन मार्क डॉट XLS. तो इस केस में वो तमाम फाइल्स डिस्प्ले होंगी जिनकी एक्सटेंशन है XLS, जिनके नेम में 4 कैरेक्टर्स आते हैं और जिनके नेम्स के स्टार्टिंग लेटर्स हैं MAR. यानी कि वो तमाम फाइल्स लिस्ट होंगी विद एक्सटेंशन XLS और जिनके नेम में 4 कैरेक्टर्स हैं और जिनके स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर्स हैं MAR, और फोर्थ वन कैरेक्टर कोई भी हो सकता है क्योंकि वो मिसिंग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है. स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइल्स कमांड. फाइल्स कमांड बेसिकली किसी भी ड्राइव की फाइल्स के नेम्स की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है. फाइल्स कमांड, तो अगर हम पाथ नेम स्पेसिफाई ना करें तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन चेक करते हैं. ये आप देख सकते हैं पाथ नेम स्पेसिफाइड नहीं है तो जो भी करंट डायरेक्टरी है ये उस डायरेक्टरी की तमाम फाइल्स को डिस्प्ले कर रही है, ये फाइल्स के नेम्स डिस्प्ले हुए हैं.